धारचूला में आपदा के बाद से पानी का हाहाकार। मल्ली बाजार एवं खड्डार जो जितनी भी लाइनें हैं उनमें पानी नहीं आ रहा है। लगातार पानी नहीं मिलने से जनता परेशान है। पानी के लिए हैंडपंपों में लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। जल संस्थान के द्वारा कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। आपदा प्रभावितों के साथ साथ क्षेत्रीय जनता भी पानी का खामियाजा भुगत रही है। कहना है कि लगातार पानी का बिल तो आता है परंतु 6-6 महीने तक घरों में पानी नहीं आता है। इस वक्त तो आपदा का दौर चल रहा है परंतु और समय भी पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से जल संस्थान से नहीं मिलती है परंतु पानी का बिल जरूर मिलता है। पंचांग के अनुसार कल 19 तारीख को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा परंतु मंदिरों में आज से ही पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। लगातार मंदिरों में भक्तों की भीड़ जमा हो रही है। भजन कीर्तन के साथ साथ श्री कृष्ण के वस्त्र इत्यादि भी दुकानों में बिकने लग गए हैं जिससे कि छोटे बच्चे श्री कृष्ण का रोल अदा करते हैं। बहुत ही भव्य और सुंदर वस्त्र बाजारों में आ चुके हैं। श्री कृष्ण की फोटो उन वस्त्रों में लगी है। देखने लायक समा। कल जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। पूरे उत्तराखंड में 19 तारीख को त्यौहार मनाया जाएगा। त्यौहार की तैयारी के लिए दुकानें सज गई हैं। आज से ही लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है व मंदिरों में पूजा अर्चना का काम भी लोगों ने आज से ही शुरू कर दिया है। बच्चे स्कूलों में कृष्ण और राधा का रोल अदा कर रहे हैं। धारचूला के प्राइमरी पाठशाला कूटी में भी इस तरह का आयोजन किया गया। ये देखिए एक मंदिर का आपको दृश्य दिखा रहे हैं जहां झूले में बच्चे झूल रहे हैं, साथ में महिलाएं भजन कीर्तन कर रही हैं। काफ़ी सुंदर दृश्य है कृष्ण जन्माष्टमी की शुभारंभ का। आज पिथौरागढ़ के कलेक्टर परिसर में सद्भावना दिवस की शपथ दिलाई गई। जिलाधिकारी आशीष चौहान द्वारा जिले में कार्यरत महिला कर्मचारी श्रीमती शांति जोशी से सद्भावना दिवस पर भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री को याद करते हुए शपथ दिलाई गई और सभी धर्मों के बीच सामुदायिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, शांति और प्यार के बढ़ावे के लिए उक्त शपथ उक्त सद्भावना का उद्देश्य बताया। सद्भावना दिवस 19 अगस्त को जन्माष्टमी के 18 अवकाश होने पर आज 18 अगस्त को ही मना लिया गया। सद्भावना दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भगवती प्रसाद पांडे ने बताया कि श्रीमती शांति जोशी महिला कार्मिक है। जिलाधिकारी ने एक अनूठी पहल करके महिला कार्मिक से सद्भावना दिवस की शपथ दिलाई और खुद भी सद्भावना दिवस पर शपथ ली। उसके उपरांत जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने सभी कार्मिकों को धन्यवाद दिया व शपथ पर चलने की बात भी कही। विधायक हरीश धामी ने विभिन्न मांगों के आज ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपे। हरीश धामी के द्वारा धारचूला में चिकित्सकों की नियुक्ति, अध्यापकों की नियुक्ति, अस्कोट कस्तूरा मृग अभ्यारण्य के बाद एवं नगर पंचायत मुंशारी गठन करने से पूर्व वार्ता करने हेतु मुख्यमंत्री को विभिन्न मांगों के ज्ञापन आज हरीश धामी विधायक धारचूला ने सौंपे। साथ ही धारचूला में चिकित्सालयों के चिकित्सकों की भी पूर्ति करने की बात कही। We'll be right back.
आज हेली द्वारा प्रशासन ने विभिन्न क्षेत्रों से बीमार व्यक्तियों को धारचूला पहुंचाया। गुंजी से 4 लोग लाए गए और जुम्मा से भी लोग लाए गए, साथ ही 5 लोगों को दुक्तू से ऑन टिकट लाया गया। कुल मिला के 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया और 5 लोगों को हेली टैक्सी की सेवा प्रदान की गई। प्रशासन लगातार बीमारों को रेस्क्यू कर रहा है। NHPC बनाएगा नेपाल में हाइड्रो प्रोजेक्ट। सेती रिवर में बनेगा 19,000 करोड़ से हाइड्रो प्रोजेक्ट, जिससे नेपाल का बिजली संकट खत्म होगा। चाइना ने अपने हाथ पीछे किए, भारत की तरफ से NHPC ने आज हस्ताक्षर किए। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब DCL न्यूज़।